अगला जो हमारा प्रोग्राम है, और एक तो शुरू हो चुका है, हमने ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए रोशन डिजिटल के जरिए घर भी खरीद सकते हैं, या अपने घर बना सकते हैं, या प्रॉपर्टी में पैसा लगा सकते हैं। और मैं जहां तक जितना मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को जानता हूं, सबसे ज्यादा वो प्रॉपर्टी के ऊपर, या वो रियल एस्टेट में, या वो ये प्लॉट्स के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, ज्यादा इन्वेस्ट उधर करते हैं। और उनकी कोशिश ये होती है कि वहां से बाहर से यहाँ पैसा बनाएं और यहाँ के पाकिस्तान में अपना घर खरीदें या घर बनाएं। तो उसकी वजह से ये सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है हमारी प्रॉपर्टी के अंदर। उसमें हम पहले तो ये मदद कर रहे हैं कि रोशन डिजिटल के जरिए वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और वो फिर उनके लिए ये भी होगा कि वो जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो होगी, बैंक्स पहले देख चुके होंगे कि वो प्रॉपर्टी ब्लू चिप हो, यानी उनसे कोई फ्रॉड ना हो, क्योंकि ये भी बड़ी बदकिस्मती है, ओवरसीज पाकिस्तानी के से बहुत फ्रॉड हो चुके हैं, प्लॉट्स लेते हैं, उस पर कब्जे हो जाते हैं, या जाली स्कीम्स बनी हुई होती हैं, हाउसिंग स्कीम्स, उनके अंदर वो इन्वेस्ट करके नुकसान करते हैं अपना। तो इसलिए ये रोशन डिजिटल के जरिए जो भी वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, वो कम अज कम उनको ये पता होगा कि बैंक्स ने पहले चेक किया हुआ है कि वो ब्लू चिप है, यानी वो उसमें वो जो जेन्युइन वो रियल एस्टेट है वो जाली नहीं है। इंशाल्लाह उनके लिए हम और भी इंसेंटिवाइज करेंगे कि रियल एस्टेट में जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम टैक्स में भी उनको छूट देंगे, ताकि उधर भी ये भी हम एक प्लान लाने लगे उनके लिए, ताकि वो और इन्वेस्ट कर सकें।